सेकंड जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय वायरस, ठीक है। यहाँ पे जो वायरस है ये एक तरीके के कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, जो कि एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उसे हम बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब जो इस तरीके के वायरसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब है? बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो कि रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका एक होस्ट सेल है, ठीक है। होस्ट सेल का ये जो बैक्टीरिया है इसका अपना क्या है, अपना एक डीएनए है। अब वायरल जो वायरस है वो वायरस जब इस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के दौरान ये क्या कर रहा है, अपना जो वायरल डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दे रहा है, ठीक है। जब इसने अपना वायरल डीएनए जब इसके अंदर इंसर्ट किया, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, जिसे मैंने ब्लू पेन से दिखाया है। और ये क्या है, ये वायरस का जो वायरल डीएनए है ये वो है, ठीक है। तो वायरल डीएनए की डिफरेंट कॉपी फॉर्म हो गई, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब वायरस का जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये अपना एक इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपना जो इसका कैप्सूल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, जो बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, इस दौरान क्या होगा कि उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी इसके अंदर इनकैप्सुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो वायरस है वायरस की कैप्सूल के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब ये वायरस, इस वायरस है तो वायरस, लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया जो डीएनए है वो किसका डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए। जब ये वायरस दूसरे अदर बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और इन्फेक्ट करेगा, तो ये इस वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए था जो कि इस वायरस के थ्रू क्या हुआ, दूसरे वाले बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, ठीक है, जिसे हम रेसिपिएंट सेल भी बोल रहे हैं। तो जैसे ये दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर आएगा तो ये रेसिपिएंट डीएनए के साथ में जाकर के रिकम्बाइन हो जाएगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, रेसिपिएंट सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। मतलब होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वायरस, ठीक है।